नेक्स्ट मॉड्यूल में अब हमने ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात की थी पिछले मॉड्यूल में अब हम उसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे और हम ये देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम किसी अवेलेबल डाटा सेट के ऊपर किस तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए भी वही स्टेप ऑलमोस्ट हर दफ़ा आपके यही होंगे कि अब हम लाइब्रेरी कुड भी डिफरेंट राइट तो आपने क्या किया कि नम और ये जो एक आपका स्टेट्स मॉडल डॉट ए है ये आपने इंपोर्ट किए ठीक है थीकिया? अब उसके बाद आपने क्या अब फिर आपने डेटा इंपोर्ट किया फिर आपने मॉडल ट्रेन किया फिर आपने उसको मॉडल को वैल्यूएट किया तो ये आपके बेसिकली चार स्टेप बनते हैं उसके बाद हम विजुलाइजेशन भी कर सकते हैं हमको डिसीजन भी ले सकते हैं बट जनरली स्पीकिंग जब आपने ये लीनियर अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करना तो ये आपके चार स्टेप जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे सबसे पहले अब आपने वो जो हमने स्टेप लिखे हमने क्या किया कि ये अब हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। हमने न, न, अपना पांडाज किया हमने नम की साइकिट लर्न की और ये साथ हमने वार्निंग भी दे दी कि अगर हमने किसी चीज़ को इग्नोर करना है किसी डाटा को तो वो भी हम कर सकें अच्छा फिर हमने क्या किया कि मॉडल की टू कंपेयर अवर मॉडल एकूरेसी विथ लर्न क्योंकि साइकिट लर्न का अपना भी मॉडल होता है इसमें आप अपना मॉडल बना रहे हैं थोड़ा सा इसमें यह डिफरेंस है तो ये बेसिकली आपने इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास लॉगिट रिग्रेशन जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ये आपका सिंटैक्स है ये फिर उसके अंदर आपका सारा जो उसका फार्मूला है वो आ जाता है तो आप इसको इस तरह से ये जो फर्स्ट स्टेप है आप समझें कि आपने वो कर लिया इंपोर्ट किया देन यू डिड योर कंपैरिजन फिर आपने अब फंक्शन को अब आपने ट्रेन करना है तो ये आपने ये सारा फंक्शन को आप ट्रेन कर रहे हैं ये उसका पूरा सिंटैक्स है ये आपके पास अवेलेबल है आपने फंक्शन को ट्रेन किया उसके बाद अब आपने एक और फंक्शन यूज़ किया हेल्पर फंक्शन ठीक है जी हेल्पर फंक्शन क्या कर रहा है ये अपडेट कर रहा है आपके उसको मॉडल को उसके अंदर ये ये जो ग्रेडियंट्स हैं वो कैलकुलेट हो रहे हैं आपका वेट अपडेट हो रहा है और ये जो रिटर्न सेल्फ है ये बेसिकली उसकी कमांड है जस्ट टू क्लोज दिस ये जो हेल्पर का फंक्शन है इसको क्लोज करने के लिए ये आपकी जो कमांड है ये वो है. तो इस तरह से आपने बेसिकली क्या किया है? कि आपने अपने उसको हेल्पर uh, फंक्शन को यूज़ किया एंड यू हैव ट्रेंड योर डेटा फिर अब नेक्स्ट क्या आ गया आपका हाइपोथेटिकल फंक्शन ये आपने क्या कह रहे हैं कि डिफाइन प्रडिक्ट सेल्फ और एक्स इन दोनों को आपने डिफाइन करना प्रोडिक्ट करना है तो ये जेड की वैल्यू आपके पास कहाँ से आएगी वाई की कहाँ से आएगी और रिटर्न फिर वाई के अंदर ये जो वैल्यू है सारी ये वाई यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा ये रिटर्न का मतलब होता है कि सारी कैलकुलेशन के बाद आपकी जो वैल्यू है वो वाई के अंदर आ जाएगी ये इस लाइन इस में ठीक है जी फिर आपने इसका ये कोड है ड्राइवर कोड इसका एक अपना पूरा सिंटेक्स है आपने इंपोर्ट डाटा सेट किया अब आप कर अब आपने बेसिकली वो जो डाटा सेट था उसको आपने इंपोर्ट करना है डाटा इंपोर्ट किया फिर आपने सारा वही एक्स आपका वाई आपका आपने यहाँ पहले उनको अब ये डेटा आपके पास आ रहा है सी से ये भी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि ये जो डाटा ये आपके पास सी फाइल से आ रहा है वी हैव डिस्कस वी नो कि सी एस पी बेसिकली होती है कॉमा सेपरेटेड वर्जन जिसके अंदर हर जो वैल्यू है आपकी सी एस पी कॉमा सेपरेटेड वर्जन तो जो हर वैल्यू है वो एक कॉमा से सेपरेटेड होती है तो सिस्टम उसको अंडरस्टैंड करता है और इसको आप एक्सेल में अपलोड कर सकते हैं डाटा बेस में कर सकते हैं डेटा बेस से या एक्सेल से इस फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पर ये भी आपका डिफरेंस नज़र आएगा कि यहाँ पर आपने जो सी जो डेटा इम्पोर्ट किया है जो सोर्स डाटा है वो सी में अवेलेबल है सी एस वी एक फॉर्मेट है जिसमें अवेलेबल है इसी तरह आपको याद होगा हमने कहा था जेसोन में हो सकता है डाटा डाटा एक्सएम में हो सकता है डाटा एक्सेल में हो सकता है वो किसी डाटा बेस में हो सकता है तो ये आपके पास किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है जिसको आप डिफरेंट उसको यूज़ करते हुए इनको यूज़ करेंगे आप जहाँ पे पांडा यूज़ करेंगे आप डाटा फ्रेम यूज़ करेंगे विद इन पाथन या कोई और लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे तो हर एक के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने डाटा को यू कैन सी योर डाटा इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज या एक मैट्रिक्स की सूरत में आप अपने डाटा को देख सकते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉडल की ट्रेनिंग का तो अब आपने ये ये आपका मॉडल का नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये उसका अब आई आपने कहा जी हमने इसको थाउजेंड टाइम आई करना है इसका ये उसका रेट है आई का और फिर ये आपका मॉडल वही अगेन आपके पास एक्सर वाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्सर वाई ट्रेन आ गए आपके पास ये एक्सर वाई टेस्ट के आ गए और तो फिर आपके पास परफॉर्मेंस आ गई मैय परफॉर्मेंस आपके पास फिर इस शक्ल में आएगी अब ये देखिए कि यहाँ पे आप सिंपली लिख रहे हैं कि जी आप इसको ट्रेन कर दें ठीक है या आप कह रहे हैं आप इसको टेस्ट कर दें तो वो अब ये जो सारे काम है ये सिस्टम ख़ुद ब खुद कर रहा है आपको उसके लिए कोई अलहदा से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और यही ब्यूटी है यही स्ट्रेंथ है इसकी पाइथन की कि इसकी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो ये सारा काम खुद करती हैं कि आपने लाइब्रेरी को यू हैव टू कॉल यू हैव टू इम्पोर्ट एज एन ऑब्जेक्ट और उसको एग्जीक्यूट करना है वो सारे काम आपके वो जो लाइब्रेरी है वो करती है फिर ये आपके पास काउंटर अब वो क्योंकि हमने आपको याद है हमने वहाँ पर थाउजेंड आई रखी थी कि हमने वो आई को काउंट करना है तो यू विल स्टार्ट विद जीरो फिर आपकी ये जैसे जैसे ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपका काउंट है उसको आपने हंड्रेड तक आपका काउंट आ गया तो आपने इसको हंड्रेड तक किया मे बी दिस इज फॉर द टेस्ट और प्रडिक्शन uh, के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि आपने ये अगर हाँ मे बी जब आप ये एक्सरसाइज करें तो आई 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 स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप करें कि आप ये जो पैरामीटर है ना आपका हंड्रेड का इसको चेंज करके देखें कि देन व्हाट हैपन्स इट विल आल्सो हेल्प यू टू यू नो डिवेलप लिटिल बिट ऑफ मोर ऑफ योर कॉन्फिडेंस कि आप ख़ुद इसके अंदर एज़ इट इज़ को फॉलो बेशक फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ फॉलो करें पूरे कोड को और फिर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करके ट्रायल एंड एरर से करके देखें कि अगर मैंने ये सौ हंड्रेड को मैं थाउजेंड करता हूँ या हंड्रेड को फाइव हंड्रेड करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है मेरे पास मेरी जो आउटपुट है उस पर क्या इम्पेक्ट आता है अब वो जो हम बात कर रहे थे कि उसकी जो टेस्ट के ऊपर क्योंकि हमने हंड्रेड लिया है तो ये आई जो जो हमारा मॉडल था जो हमने अपना मॉडल यूज़ किया उसकी एक्यूरेसी ये है जो साइकिट लर्न का मॉडल है उसकी एक्यूरेसी ये है तो जो साइकिट लर्न का मॉडल है उसकी एक्यूरेसी बेहतर है अबाउट थ्री परसेंट दैन यू नो जो हमारा मॉडल था तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि जो बिल्ट इन मॉडल्स हैं वो ब, लेकिन आप एक चीज़ देखें कि इवन ये सिर्फ सिक्सटी वन है तो मे बी इट इज़ नॉट एक्यूरेट वी डू नॉट नो येट के हमारे पास क्या ये जो है हमारा जो आउटपुट है इट शुड बी क्लोज टू हंड्रेड होनी चाहिए या यू you नो know, क्योंकि ये जो सिक्सटी या क्योंकि ये दोनों सिक्सटी के करीब हैं तो वी आर नॉट श्योर ये क्योंकि हमें एग्जैक्टली exactly डाटा की सारी अगर हम डिटेल्स में जाते हैं कि हमारे पास सोर्स डाटा क्या था उसका ओरिजिन क्या था और हमारी जो प्रॉब्लम जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है तो दैन वी कैन डिटर्मिन कि इवन ये आई एम नॉट श्योर येट जैसे कि ये यू विल अंडरस्टैंड इन योर प्रैक्टिकल लाइफ कि अगर मेरी एक्सपेक्टेशन हंड्रेड है तो शायद नाइंटी फाइव नाइन्टी सेवन इज़ अ गुड फिट लेकिन सिक्सटी लाइट बी टू लो तो ये हमें अभी नहीं पता इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यह ज़रूरी है इस चीज़ को डिटर्मिन करना कि आपकी जो आउटपुट की एक्सपेक्टेशन है एक्यूरेसी और जो हमने जो लॉस की बात की जो कॉस्ट फंक्शन की बात की कि इसके अंदर जो हमारा लॉस हो सकता है वो एक्यूरेसी का लॉस है बेसिकली जो कॉस्ट फंक्शन है वो एक्यूरेसी की कॉस्ट है कि उस पर कोई कम्प्रोमाइज़ हो सकता है तो ये यू हैव टू ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि अगर आप फर्ज़ करें लीनियर रिग्रेशन यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हैं कोई भी फॉरेस्ट यूज़ कर रैंडम फॉरेस्ट यूज़ करते हैं ट्री यूज़ करते हैं यू नो यू नेम इट दिस शुड ऑलवेज़ भी योर प्राइमरी कंसर्न के आपकी जो एक है या आपका जो एक्सपेक्ट रिजल्ट हैं या जो आपका जो हाइपोथीसिस है नल और आल्टरनेटिव उसके अंदर आपकी एकोरेसी की एक्सपेक्टेशन क्या है थैंक यू